देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। आप लोगों ने देखा बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और किंग खान शाहरुख खान के कुछ अमेजिंग डायलॉग्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और किंग खान शाहरुख खान का। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इनका कंपेरिजन करेंगे इनके फिल्मों से कि किसने ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी, किसने ज़्यादा हिट फिल्में दी, किसका ज़्यादा बजट था फिल्मों का, किसका कम बजट था, किसकी ज़्यादा कलेक्शन थी बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की। तो इस चीज़ों से हम इनको पॉइंट्स देंगे, इनका कंपेरिजन करेंगे। Let's start this video. बिग बी अमिताभ बच्चन जी किंग खान शाहरुख खान से तकरीबन 23 इयर्स पहले आए थे और किंग खान शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से 23 इयर्स बाद में फिल्मों में आना शुरू हुए थे। बिग बी अमिताभ बच्चन जी ने अब तक जो है वो टोटल अपने फिल्मी करियर में 156 मूवीज़ की है, जबकि किंग खान शाहरुख खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में जो है वो टोटल 65 मूवीज़ की है। अमिताभ बच्चन जी ने किंग खान शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा मूवीज़ की है, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का कंपैरिजन करेंगे, बल्कि सुपरहिट मूवीज़ का भी कंपैरिजन करेंगे इसके साथ ही। तो देखते हैं हु इज़ द मोस्ट चार्मिंग मैन। तो मेरे हिसाब से तो शाहरुख खान ज़्यादा चार्मिंग दिखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में से कौन ज़्यादा चार्मिंग नज़र आता है। तो अब देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। तो अमिताभ बच्चन जी ने जो है वो 9 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जबकि किंग खान शाहरुख खान ने 12 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। इस तरह ये पॉइंट जाता है किंग खान शाहरुख खान को। अब देखते हैं कि इन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में से किसकी डायलॉग डिलीवरी ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा अच्छी है। तो अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देखी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों डायलॉग में से कौन सा एक्टर ज़्यादा अच्छा डायलॉग बोलता हुआ नज़र आया। मेरे हिसाब से तो अमिताभ बच्चन जी ने इसमें ज़्यादा अच्छा डायलॉग बोला था, इस वजह से ये पॉइंट जाता है श्री अमिताभ बच्चन जी के पास। अब हम लोग बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान की सुपरहिट मूवीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करूँ श्री अमिताभ बच्चन जी की सुपरहिट मूवीज़ के बारे में, तो श्री अमिताभ बच्चन जी ने 10 सुपरहिट मूवीज़ दी है, जबकि किंग खान शाहरुख खान ने सिर्फ और सिर्फ 6 सुपरहिट मूवीज़ दी है। इस तरह ये पॉइंट भी आता है बॉलीवुड के बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी के पास। इस तरह दोनों ही 1-1 पॉइंट के साथ बराबर है, लेकिन अब ये फाइनल पॉइंट 5 पॉइंट जिसके पास जाएगा वो होगा जो जीतेगा ये मुकाबला। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान में से कौन सा एक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आखिरी पॉइंट जो है हम लोग लगाने लगे हैं, किसने सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी की। तो अमिताभ बच्चन जी ने अपनी पूरी लाइफ फिल्मी करियर में जो है वो 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जबकि किंग खान शाहरुख खान ने अपने जो फिल्मी करियर में जो है वो 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। इस तरह ये पॉइंट जाता है शाहरुख खान के पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को कीजिए एक लाइक और हमारे चैनल gupshup.com को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको इन दोनों का 10 पॉइंट्स का कंपैरिजन देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने आपके कमेंट आएंगे मैं उतने ही जल्दी ही
इन दोनों का 10 नंबर का कंपैरिजन की वीडियो लाऊंगा। शुक्रिया।